ऐसी मेमोरीज आप जो शेयर करना चाहोगे? बहुत, कोई एक मेमोरी नहीं है, बहुत सारी है। जैसे मैंने अपने ब्लॉग में भी बोला था कि जब से मैं शादी करके आई, सपा हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट चाइल्ड फॉर मी, यू नो। जब वो आई भोपाल से यहाँ पे, जब अम्मी और ये सब आए, तो वो बहुत ज़्यादा नाइव थी, यू नो। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उसे सिखाई और उसने ओपन हार्टेडली सीखी भी, अडेप्ट भी की। तो फॉर मी डेफिनेटली इट्स अ वेरी, सो फॉर मी इट वॉज दैट जर्नी। इट वॉज, मैं उस दिन शुरू को ही बोली थी कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक गेटिंग योर डॉटर मैरिड, यू नो। द इमोशन इज हाफ ऑफ दैट, ऑब्वियसली। एक माँ के दिल के इमोशंस क्या होते हैं वो तो हम सोच भी नहीं सकते बराबरी करने की। बट या, शी इज ऑलवेज बीन वेरी डियर टू मी एंड शी विल ऑलवेज बी वेरी वेरी डियर। देखिए, हर टाइम यू नो ननन को एक नेगेटिव टैग दिया जाता है, तो आप क्या कहना चाहूँगी? क्या वो ऐसे कभी फेस हुआ है आपका? कभी नहीं। आई थिंक आप हमारे ब्लॉग्स देखिए, हमारी पूरी इब्राहिम फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि सास नेगेटिव ही होती है या ननन परेशान करने वाली होती है या बहू भी आके सास को परेशान करने वाली होती है। इट्स जस्ट एवरीबडी अपने दिल से प्योर रहें। और आई थिंक हमारे घर में सबका मोटिव यही होता है कि घर में प्यार रहे हर किसी के बारे में। वेल, अभी फिलहाल तो सबका क्या प्लानिंग है? हाँ, फिलहाल यहाँ है, रेडी हो रही है, लेकिन वो यहाँ रहेंगे कि मौका नहीं है? टोटली उस पर डिपेंड है और खालिद पर डिपेंड है, क्योंकि उनके बहुत सारे चीज़ें हैं जो उनको आगे करनी है, जो उन्होंने प्लान की है। अब वो वहाँ होती है, यहाँ होती है, वो उन पर डिपेंड करता है। दोनों जगह के उनके लिए ऑप्शन खुले हैं। यहाँ भी सबने घर सब ले रखा है, वहाँ उसका घर है ही, तो जहाँ पे दोनों की फैमिली अब आराम से बैठ के बातचीत करेंगे, तो दोनों जहाँ पे सहमत होंगे हाँ ये बेटर है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें। क्योंकि एज अ कपल जब वो कोई भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं, तो ये सारे जो डिसीजन है ये उन दोनों के ही होने चाहिए। सो इट्स देम टू डिसाइड। देखो, मैंने